तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं ज्वाइन करता हूँ दी गर्ल्स ओनली सर्वर और मेरे को कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि इनके सर्वर के अंदर होता है एक सीक्रेट बेस जिसको आज की इस वाली वीडियो के अंदर मेरे को पता लगाना होता है और उसके अंदर से सारा स्टफ चुराना होता है। तो क्या मैं इस काम को कम्प्लीट कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है 1.6 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो। और हाँ, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो उनके शाउट आउट जाते हैं समर्थ वर्मा 12, ईशान 141 और रवि तिवारी को। थैंक यू मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरा यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा होगा। वेल, तो मैं यहाँ पे सर्वर को ज्वाइन कर रहा हूँ, कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड एंड लोडिंग टेरेन। एंड मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वर्ल्ड के अंदर और आप लोग देख सकते हो मैं लड़की बन के आया हूँ और श्रद्धा और एंजलि खेल रही है इस टाइम भी और मेरा नाम है प्रिंसेस। तो इस बार मैं लड़की बन के आया हूँ, इन लोगों को कोई भी पता नहीं लगने वाला है कि मैं लड़का हूँ या फिर लड़की, ठीक है। तो अभी मैं इसको हेलो लिखता हूँ और एकदम मेरे को लड़कियों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। वेल, तो गाइस इसको लिखते हैं हाय क्यूटी। ओके, तो इसने मेरे को लिख दिया कैसी हो, तो मैं भी इसको लिखता हूँ सेम टू यू। ओके, तो ये दोनों भी बड़ी क्यूट लग रही है ऐसा मैं इनको कह रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं ये दोनों कितनी बुरी लग रही है तो मेरे को पता है। वेट, अरे सामान दे रही है दोनों, दे दो भाई। अरे खाना वगैरह सब दे रही है यार। अबे तेरे को मिल रहा है, तू तो दूर जा। ओके, खाना वगैरह सब मिल रहा है भाई मेरे को यहाँ पे आते ही। नाइस। ओके, तो मेरे को यहाँ पे खाना दिया है इन लोगों ने, तो मैं इनको लिखता हूँ और दोगी प्लीज। ओके, तो यहाँ पे मेरे को लकड़ियाँ भी मिल रही है यार, मेरे को आयरन आर्मर चाहिए कम से कम, तो मैं इनको लिखता हूँ आयरन आर्मर तो दे दो प्लीज। वेल, चलो वेट करते हो। ओ, डायमंड किड्स, लेट्स गो भाई। मेरे को लग रहा था कि ये दोनों आयरन आर्मर। ओके, आयरन दिया कितना है, दो। अरे यार सिर्फ दो प्लीज, थोड़ा सा और दे दो प्लीज, ग्राइंड कर लो बाकी। अरे यार ये लोग ग्राइंड करने को बोल रही है, इसमें तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। कम ऑन यार, इनको रिक्वेस्ट करते हैं। अरे दे दे यार, ऐसा क्या कर रही है। वेल, तो बहुत कुछ बनाने के बाद फाइनली एंजल मान चुकी है, देती है कि नहीं, और इसने मेरे को आयरन दे दिया है। थैंक यू सो मच एंजल, ठीक है। तो अभी ना मेरे का मेन मोटिव है कि मेरे को इनका बेस ढूंढने का है, ठीक है, कुछ भी हर हालत में मेरे को ढूंढने का है। तो वेल, मैं इनसे सबसे पहले घर मांगता हूँ, मेरे को कोई घर दो। ओके, तो मैंने इनको लिख दिया है कोई घर तो दो मेरे को रहने के लिए कम से कम। तो देखते हैं इसमें से कौन सा घर मेरे को मिलने वाला है। भी ये वाला क्या? ओके, तो ये वाला घर आज से मेरा हो चुका है। कितना छोटा है यार, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, चलो ठीक है, तो मैं अपना चलता हूँ ग्राइंड करने और ये दोनों अपना खेलती रहेगी यहाँ पे। तो मेरे पास एक्स आ चुके हैं तो मैं यहाँ पे लकड़ियाँ माइन कर सकता हूँ। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे विलेजर्स की सारी लकड़ियाँ छीन लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अपने कुछ बेसिक टूल्स बना लेंगे। तो ये रही बहुत सारी ऑक वुड, तो मेरे को यहाँ से बहुत सारी लकड़ियाँ माइन। ओए, मार क्यों रही है भाई। अबे क्या हो गया, मारा क्यों उसने? अबे यार क्या कुछ लिख रही है क्या चैट में, घर नहीं। अबे क्या मतलब घर नहीं तोड़ना? अरे यार अब घर तोड़े बिना कहाँ से लकड़ी लाओ। ओके, सामने एक ट्री दिख रहा है मेरे को। वेल, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, चलो लकड़ियों का तो इंतजाम हो चुका है। मेरे पास सब पे ऑलरेडी बहुत सारी लकड़ी आ तो गई है, एक काम करते फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। क्या कुछ भी, यहाँ पे क्यों भाई, मैं थोड़ी विलेज में हूँ। देखते क्या लिखती है ये, यार कम से कम यार थोड़ी दया तो कर लो, पेड़ नहीं काटने गंदी बात। अबे क्या यार, कितनी इनोसेंट है यार। एक सेकंड, मेरे को खाना चाहिए तो मैं इन सुअर को मारता हूँ तब तक, ठीक है। तो ये रहे सुअर, ओके इनको मार के थोड़ा सा खाना ले लेते हैं, लेट्स गो। अरे आजा, ओके लेट्स गो। तो यहाँ पे भी थोड़े से और पिग है तो इनको भी मार देता हूँ मैं, लेट्स गो। यहाँ से भी थोड़ा सा और ले लेते हैं, हो गया, चलो नाइस, लेट्स गो। तो मेरे पास बहुत सारा खाना तो आ चुका है, वैसे इन दोनों को थोड़ा सा खुश करने के लिए सनफ्लावर दे देते हैं। क्यूट पिगी तारे, क्या है तेरे को, इनको सनफ्लावर देके थोड़ा सा पटाते हैं ना गाइस, ताकि इन लोगों को पूरा भरोसा हो जाए कि मैं अच्छा बंदा हूँ, मैं कोई स्कैम नहीं करने वाला, ठीक है। एक काम करते हैं, इनको पूछने का ट्राई करते हैं, वैसे तुम्हारा कोई ग्रेट बीज है? ओके, तो मैंने इनको पूछा है, देखते हैं इनका क्या जवाब आता है। ओ, तो इसने लिखा है नो, इसका मतलब ये मेरे को झूठ बोलना चाहते हैं कि इनका कोई भी सीक्रेट बेस नहीं है। सीक्रेट बेस वो क्या होता है, इतनी बोली भाई। ओके, इनकी पोल तो मेरे को खोलनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा दूर चलते हैं और आयरन आर्मर क्राफ्ट करके इनके बेस पे वापस से आते हैं। ओके गाइस, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक तो इनके बेस पे जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, तो मेरे को कुछ भी करके ना इनका सीक्रेट बेस ढूंढने का है। अब ये दोनों मेरे को ऐसे तो अपना सीक्रेट बेस देंगी नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स देगी नहीं, तो यार मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ ही करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को इन दोनों पे बहुत ही ज्यादा टाइम तक स्पाई करना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक सो कि स्पाई करने से कोई काम
कोई बात बनने वाली है, बट ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। तो वैसे मेरे पास अभी सिर्फ आयरन आर्मर है, तो आई गेस मैं इनसे हार सकता हूँ पीवीपी के अंदर, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि ये दोनों कैसी है पीवीपी के अंदर। जहां तक मेरे को पता है ये दोनों नूबी होने वाली है, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उनके ऊपर स्पाई करूँ और देखूँ कि वो पूरे दिन करती क्या है सर्वर के अंदर, ठीक है। बट यार उनको स्पाई करने से पहले मेरे को थोड़े से स्टोन वगैरह तोड़ने पड़ेंगे, ताकि मेरे पास इनफ बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाए ताकि मैं उनको स्ट्रेटेजी से मार सकूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे स्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा जितना हो सके। भाई ये दोनों क्या कब से फालतू की चैटिंग करे जा रही है, सही में मेरा दिमाग पक चुका है। नूब स्टोन एज, अच्छा अच्छा नूब बोल रही है मेरे को, ओके देखते हैं देखते हैं देखते हैं बेटा क्या क्या कर सकती है ये दोनों। ओके इतने कॉबलस्टोन्स आ गए, इनफ रह गया, और अभी रात भी होने आई है, तो चलते हैं सीधा विलेज पे और स्पाई करते हैं इन दोनों को। ओके तो मैं यहाँ पे हे बेल्स के पास आ चुका हूँ, और मेरे को वो दोनों मेरे मुंह के सामने दिख रही है, ठीक है। तो देखते हैं ये दोनों क्या कर रही है। नीनी करने जाते हैं, तू सोने चलेगी। अच्छा ये दोनों सोने जा रही है, ओके ये दोनों सोने जा चुकी है। श्रद्धा और एंजल, ओके ओके एंजल कहीं और जा रही है, एंजल क्या कर रही है भाई, एंजल उस घर के अंदर जा रही है। ओके ओके ये दोनों सोने जा चुकी है, तो अभी तो मेरे को नहीं लगता कि कोई सीक्रेट बेस होने वाला है यहाँ पे। ओके चलो सो जाते हैं फटाफट से, लेट्स गो। तो यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है। ओके गाइस तो मेरे को इनके ऊपर स्पाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनकी हरकतें देखते हैं कि ये दोनों करती क्या है, ठीक है। वैसे ये हेबेल ऐसी क्यों लग रही है। ओके गुड मॉर्निंग, नाइस नाइस, देखते हैं इनकी मॉर्निंग कितनी गुड होती है और कितनी बैड। यार मेरे को लग नहीं रहा है इनका कोई सीक्रेट बेस होने वाला है, क्योंकि मैं कब से इनके इलाके में ही हूँ और मेरे को कुछ सामान भी नहीं मिला है, और प्लस ये दोनों कुछ सस्पिशियस बिहेव भी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या चल रहा है इनका सीन। और वेट, ये दोनों ऊपर जा रही है, एंजल ऊपर कहाँ जा रही है, एक सेकंड एंजल ऊपर क्यों जा रही है, फॉलो करते हैं इसको। ओके श्रद्धा ये रही, श्रद्धा के सामने अगर मैं ऊपर गया तो शायद मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो मेरे को चुपके से जाना पड़ेगा, ठीक है। श्रद्धा तो उधर गई, श्रद्धा ओके श्रद्धा उस घर के अंदर है, मैं देखता हूँ एंजल क्या कर रही है वहाँ पे। एंजल क्या कर रही है भाई, इतने टाइम से उस घर के अंदर क्या कर रही है। वेट वेट एक काम करते हैं, अभी मैं यहाँ से दूर जाता हूँ, क्योंकि अगर एंजल ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो सकती है, वो श्रद्धा को भी बुला के मेरे को मार सकती है। तो एक काम, ओके तो ये अपने घर के, ओ वेट 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 नहीं नहीं भागो भागो भागो, शायद से उसने मेरे को देख लिया, शायद से उसने मेरे को देख लिया, शायद से उसने मेरे को देख लिया। भाई मैं जैसे तैसे बचा हुआ, मेरे को लगता है उसने मेरे को देख ना लिया, अगर उसने मेरे को देख लिया होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। प्रिंसेस क्या वो टूथी देखा, गाइस मैंने बोला ना उसको डाउट गया है मेरे पे। ओके ऐसा रिएक्ट करते हैं कि हम AFK, हम उस चैट का कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, ठीक है। हम ये चैट का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले, ऐसा रिएक्ट करते कि मैं AFK हूं। ओके गाइस मेरे हिसाब से मैं बहुत टाइम तक इस केव के अंदर छुपा था, बट मेरे को उस घर के अंदर जाना है, क्योंकि मैंने देखा कि वो दोनों पता नहीं कुछ सस्पिशियस बिहेव कर रही थी। AFK ओके डन, इन दोनों को पता चल चुका है कि मैं AFK हूं, और अभी यही सही मौका है, अंदर जाते हैं और लूटते हैं। क्या पता यार वो जो बेस मैंने देखा था वो इनका ही बेस हो, या तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे, है ना। ओके तो एक घर के अंदर आ चुका हूँ मैं, देखते हैं इस घर के अंदर क्या है। बट वेट, अबे ये दोनों ऊपर आ रही है, अबे शूट शूट मेरे को एक काम जल्दी करना पड़ेगा, मतलब पक्का यहाँ पे कोई सीन होने वाला है। शूट 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 क्या होगा क्या होगा यहाँ पे। ओ वेट यहाँ पे एक लीवर है, लीवर को दबाओ। ओके 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 शूट, अरे ये दोनों आ चुकी है। शेट 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 उसको पता चल गया, उसको पता चल गया। शेट ओके ये रहा सीक्रेट बेस, ब्रो 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 ये रहा सीक्रेट बेस, सीक्रेट बेस को मेरे को ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इनका सीक्रेट बेस है जिसके अंदर इतने सारे नॉच एप्पल्स डायमंड टूल्स, ब्रो कुछ ज्यादा ही माल पानी है इनके पास। शेट शेट ये दोनों आ रही है, दोनों आ रही है, दोनों आ रही है। शेट 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 नहीं ये दोनों आ रही है, दोनों आ रही है। शेट शेट ओके ओके ये सब कुछ लेना पड़ेगा। शेट 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 जल्दी 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 जल्दी, आ नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। शेट अरे क्या हुआ भाई, दोनों आ चुके हैं यहाँ पे। शेट 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 ओ नो ओ नो ओ नो ओ शेट शेट जल्दी से मेरे को सब कुछ लेना पड़ेगा। आ जा तेरी ऐसी की तैसी बेटा। ओ नहीं 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 यार यहाँ पे लड़ने जा तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे भागना पड़ेगा। शेट इनको पता चल चुका है। शेट 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 निकलते हैं जल्दी निकलते हैं यहाँ से ऊपर, ठीक है। देखते हैं मेरे पास क्या क्या सामान आया और इन्वेंट्री को स्लॉट करते हैं। ओके स्वॉर्ड आ चुके हैं मेरे पास और नौ चैपल्स आ चुके हैं, ठीक है मैं इनसे फाइट तो कर लूंगा। आने दो इन दोनों को, भागो। शेट आ चुके हैं दोनों, ऊपर आ चुके हैं। ओके इन दोनों को सबसे पहले थोड़ा सा भगाते हैं, ठीक है, बाद में इनको बताएंगे कि अपने पास नौ चैपल्स आ चुके हैं। आजा बेटा। ओ भाई एंजल कहाँ से आई, ओ भी आ जाओ बेटा। ओ शिट, ओ लेट्स गो, एंजल तो गिर के ही मर चुकी है, इसके गोल्डन एप्पल्स मेरे पास आ चुके हैं। आजा बेटा श्रद्धा क्या कर लेगी तू। ओ नो भागो। भाई वो मेरे पीछे पड़ी है। ओके अटैक करते हैं। आजा बेटा क्या कर लेगी ब्रो तू। आ आ मार ले गई आप।
लेट्स गो। क्या हल्के हल्के में ले रही थी मेरे को? तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी की तैसी श्रद्धा। आजा आजा बेटा, किधर भागेगी किधर भागेगी किधर? ओ भागे जा रही है बे। ओबे नहीं, लेट्स गो गई। इनको तब तक मारना पड़ेगा जब तक ये दोनों ना तंगो के सर्वर को लीव नहीं कर देते, ठीक है? ये तो मारे जा रही है भाई। आजा बेटा, गई 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 गई, अब ये गई अब ये गई अब ये नहीं बचने वाली। आजा आजा किधर भाई, भागे जा रही है ये तो। एक बार मैं इसको मार दूंगा तो क्या पता ये दोनों लीव करते सर्वर को, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आजा आजा किधर, एक लास्ट हिट लास्ट हिट, और ये मरने वाली है, ये मरने वाली है। ओ शिट 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 शिट, भागे जा रही है। हियर वी गो, इजी, यस लेट्स गो। एंजल तो लेफ्ट मार गई। अच्छा श्रद्धा तू 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 आएगी अब, तू आएगी। एंजल तो गई बेटा, तू भी चली जा देख ले। अच्छा ले मार ले बस, अच्छा मार ले। लेट्स गो डन, हियर वी गो गाइस। इसी के साथ मैंने पूरा का पूरा सर्वर अपनी मुट्ठी में कर लिया और इनका सीक्रेट बेस भी ढूंढ लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।